सो हेलो गाइस, दिस इज मनीष एंड यू वाचिंग माय स्टडी दोस्त। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सबके दिमाग में एक सवाल तो हमेशा रहता होगा कि कैसे भी करके एक बार एग्ज़ाम निकल जाए, बस उसके बाद तो मौज ही मौज है। उसके बाद तो मैं ये कर लूँगा, उसके बाद तो मैं ये कर लूँगा, पता नहीं क्या क्या। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आती है, इस एग्ज़ाम को क्रैक कैसे करूँ। और जब क्रैक वर्ड आ जाता है तो एक चीज़ हमेशा दिमाग में आती है कि सर इसका कट ऑफ कितना जाएगा। हर बार मुझसे ये सवाल पूछा जाता है जब भी मैं कुछ भी नया करने की कोशिश करता हूँ। मतलब आप इंस्टाग्राम पे आते हो तो सबसे पहले कुछ भी पूछते हो तो यही पूछते हो, सर इसका कट ऑफ कितना जाता है। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि कट ऑफ तो जाएगा, जो जाएगा वो वक्त बताएगा। फिर सोचते हैं कि सर कितने मार्क्स लाएँ कि हम इसमें श्योर पास हो जाएँ। सो गाइज, आज मैं स्पेशली बात करूँगा एयरफोर्स वाई ग्रुप की, जिसमें अगर आप 40 प्लस नंबर ले आते हैं तो आपका इतना तो श्योर है कि आपको फाइनल एनरोलमेंट लिस्ट तक कोई नहीं रोकने वाला है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को मैंने देखा है कि 0.25 मार्क्स से भी रह जाते हैं, 0.50 मार्क्स से भी स्टूडेंट रह जाते हैं और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट फील करते हैं क्योंकि वो डिजर्व करते हैं उस चीज़ को, लेकिन फिर भी उनको वहाँ से निकाल दिया जाता है लो मेरिट की वजह से। सो गाइज, इस चीज़ को जो है आप ना दोहराएं, इस वीडियो को तो सबसे लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो इसमें मैंने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं जो स्टूडेंट के बेसिक डाउट क्लियर करेंगे। आपके दिमाग में भी ऐसे डाउट बनते ही होंगे, नहीं बनते हैं तब तो आपको स्पेशल इस वीडियो को देखना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं कि मैं क्या ऐसा बताने वाला हूँ कि इससे आप 40 प्लस स्कोर ला सकते हैं। मैं इसको कोई स्ट्रेटजी नहीं बता रहा हूँ, ना ही कुछ आपको ऐसा बताऊँगा कि आप इतने घंटे पढ़ो, आप ये करो ये करो, ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको कुछ गाइड करूँगा, कुछ चीज़ें ऐसे बताऊंगा जो आपको इस चैनल पे भी मिल जाएंगे, कुछ चीज़ें ऐसे बताऊंगा जो आपको बुक्स वगैरह से हेल्प मिलेगा, वो कहाँ से मिलेगा, सब कुछ मैं इसमें गाइड आपको करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। ये जो वीडियो है इसका डिमांड तो काफ़ी दिनों से था, लेकिन मैं सोच रहा था कि कुछ सही वक्त पे ऐसा आए जिस पे मैं इसे बना सकूँ, तो मुझे लगा कि अब इसे बना देना चाहिए। तो गाइस, जब भी मैं आता हूँ इस तरह का वीडियो लेके तो मैं हमेशा सिलेबस की बात ज़रूर करता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इंग्लिश के बारे में। तो इतना तो आप सभी लोगों को सबको पता होगा कि इंग्लिश जो आता है एयरफोर्स में ये 20 मार्क्स का आता है और इसमें 10 मार्क्स तो आपको कंपलसरी होता है, यानी कि ये सेक्शन कट ऑफ होता है, ये तो लाना ही लाना है। अब यहाँ से आप कितना प्लस कर सकते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ आपको, क्योंकि सब स्टूडेंट का जो है इंग्लिश में अलग अलग क्राइटेरिया होता है। कुछ का हाई होता है कि वो अच्छे से पढ़ लेते हैं, 20 में से 20 भी ले आते हैं। मैं यहाँ पे ऑन एन एवरेज यहाँ पे सिर्फ आपको 15 मार्क्स लाने के लिए मैं कहूँगा। जो स्टूडेंट यहाँ पे 15 प्लस भी ला सकते हैं उनके लिए तो और भी अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम आपको यहाँ से 15 मार्क्स तो टारगेट करना ही चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पे आप कम मार्क्स टारगेट करते हैं तो रागा के अंदर जो है थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन तो 30 रहते हैं और वहाँ पर अगर आप यहाँ पे 25 प्लस लाने की कोशिश करते हैं तो गलतियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो 15 प्लस नंबर लाने की हमेशा कोशिश करना। आप कैसे लाएँ, यही तो मेन प्रॉब्लम है। तो देखो भाई, जब भी सिलेबस आप देखते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ आपके डाउट क्लियर कर दूँ कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि किस सेक्शन से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है और कितने क्वेश्चन आते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर वीडियो नहीं देखा है आपने तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना, काफ़ी अच्छा प्यार भी आप उस वीडियो को दे चुके हैं तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो देखो यार, पैसेज अगर मैं बात करूँ तो 3 से 4 मार्क्स का आता है और 3 से 4 मार्क्स को गेन करना बहुत ही आसान होता है। आप सिंपली क्या किया करो कि कहीं पर भी मॉर्निंग में कभी भी आप सिर्फ सिंपली इंग्लिश को रीडिंग मारो, उससे क्या होगा कि आप ऐसा समझ लीजिए कि 400 वर्ड को जो है लगभग 1 या 2 मिनट के अंदर या 2 से 3 मिनट के अंदर आप उसे पढ़ पाएँ। ऐसी अगर आपकी स्पीड बन जाएगी, उसमें थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग भी लाना है, वोकैबुलरी के सेक्शन पे भी फोकस करना है, उससे क्या होगा कि बस जस्ट आप उसका थोड़ा सा हल्का फुल्का अर्थ भी समझ गए तो आपको जो है माइंड में सेट हो जाएगा कि क्या कहानी चल रही है। बाकी ऐसा नहीं है कि एक तो आपको बिल्कुल ही समझना है, सिर्फ रीडिंग ही मारी हो, कुछ पता ही नहीं कि इसका मीनिंग का मतलब क्या है। एक ऐसा हो कि आपको 100% समझना ही है तो इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, वो चीज़ का ध्यान रखना। अब यहाँ पे आपको सेकंड आता है कि ग्रामर पार्ट। ग्रामर के भी 2 पार्ट हैं। ग्रामर के फर्स्ट पार्ट में देखिए सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड है, फॉर्म ऑफ वर्ब्स है, यहाँ से श्योर क्वेश्चन आते हैं, सिक्वेंस ऑफ टेंस है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं 2 से 3, ये आप सबको पता होगा। तो इन 2 से 3 क्वेश्चन को आप भी आसानी से ला सकते हैं, आप चिंता मत कीजिए। इस लास्ट में इसी सेक्शन के मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे पढ़ना है, कहाँ पे पढ़ना है। अभी मैं थोड़ा सा जो बात कर रहा हूँ उसको गौर से सुनिए। इसमें से जो सेकंड पार्ट आता है वो आता है ग्रामर पार्ट 2। इसमें आता है फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, डिटर्मिनेशन, प्रपोजिशन, ये तो आप सारा देख लेना। यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं ये 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं,
यहाँ पे देखिए आपको जो है कॉमन एरर से मोस्टली क्वेश्चन मिलते हैं और ये सारे सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स हैं ये आपको पढ़ने पड़ते हैं। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा, चिंता मत कीजिए, क्योंकि यही आप बोल रहे हैं सर ये तो सब बोलते हैं कि पढ़ने ये भी पढ़ेंगे ये भी पढ़ेंगे। एक चीज़ आप ध्यान रखो, आपको मैं ये सारे टॉपिक्स तो बता रहा हूँ, अभी जैसे सपोज कीजिए कि ये दो टॉपिक हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब आपको बिल्कुल ही नहीं आते और आपको जो है इनमें बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं सही कर पाते तो आप इनको बिल्कुल स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं 80% ही तो लाने के लिए बोल रहा हूँ, मतलब 50 में से 40 नंबर ही लाने के लिए बोल रहा हूँ 80%। तो आप ये सोचो ना कि ये 20% मुझे हटाना है, तो 20% कहाँ पे हटाना है? आप हमेशा यही सोचते हो कि एक नंबर इसका हो गया, एक नंबर में ये ले आऊँगा, एक नंबर में ले आऊँगा, इस तरह से 80 जोड़ते हो आप। इस 80 को ना जोड़ के आप उसको माइनस भी तो कर सकते हो कि यहाँ से मुझे 20% हटाना है बस मुझे। तो यहाँ पे आप सोच लीजिए कि इन दोनों में से अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन आ रहा है या दो क्वेश्चन आ रहे हैं तो उन दो क्वेश्चन को माइनस कर दीजिए, आपको 5 क्वेश्चन यहाँ से माइनस करने हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखें, फिर आप ये सोच कीजिए 15 क्वेश्चन तो मुझे लाने ही लाने हैं। ऑलराइट, सो वोकैबुलरी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप पूरे इंग्लिश को ग्रामर के साथ में अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वोकैबुलरी सेक्शन आपको जो कॉम्प्रेहेंसिव पार्ट है पैसेज में भी हेल्प करता है, इवन जहाँ पे कॉमन एरर आता है वहाँ पे भी अर्थ समझ के भी आप कई क्वेश्चंस का आंसर दे लेते हैं। इडियम फ्रेज है, वन वर्ड है, सबसे ज़्यादा फोकस आप वन वर्ड पे कीजिए, उसके बाद में आप सिनोनियम पे कीजिए, फिर एंटोनियम पे, फिर इडियम फ्रेज पे, इस तरह से आप पढ़िए। और करेक्ट वर्ड स्पेलिंग के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, लिख करके आप आसानी से इसमें करेक्ट कर लेंगे। अब देखिए एक चीज़ ये होता है कि आप यहाँ पे कितने वर्ड पढ़े कहाँ से पढ़े इसका सोल्यूशन अभी आगे आएगा, चिंता मत कीजिए। पहले मैं जो चीज़ बता रहा हूँ उस पर फोकस कीजिए। यहाँ से श्योर 3 क्वेश्चन हैं इन टॉपिक से, एक नरेशन से, एक वॉइस से, एक पैराजम्बल से, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं, आप इनको कर सकते हैं, इनके कुछ बेसिक्स रूल होते हैं वो पढ़ सकते हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पे जो अभी तक मैं आपको ये बार बार बताने की कोशिश कर रहा था। अब देखिए मेनली जो यही टारगेट आपका रहता होगा कि सर इसके लिए कौन सी बुक लें, देखो बुक आपको मार्केट में जाने की जरूरत नहीं, इसका सॉल्यूशन भी मैं बताऊंगा आपको। आप मेनली जो है यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में होने चाहिए, ठीक है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप यहाँ पे नहीं फाइंड कर पा रहे हैं तो टेलीग्राम पे तो आप जाइए, इंस्टॉल कीजिए, ऐप होता है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे माय स्टडी दोस्त सर्च कीजिएगा तो वहाँ पे आपको चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने नीतू सिंह की इंग्लिश की बुक पूरी शेयर कर रखी है, वॉल्यूम 1 आपको पढ़नी है तो वो आप पढ़ सकते हैं। आप चाहें अगर आपके पास है तब तो आप ऑफलाइन पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप PDF से भी पढ़ सकते हैं अगर, और आपको बाय करने की जरूरत है नहीं। अब फिर भी आप बाय करना चाहते हैं, आपको एक SSC का फ्रेंड है आप उससे बात कर लीजिए, उनके पास ये बुक हमेशा रहती है। अब इसमें जो है ग्रामर पार्ट आप ले सकते हैं और इसके बाद में जो आपका वोकेबल का पार्ट है ये पूरा का पूरा यहाँ से आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक वर्ड पावर मेड इजी ऐसा कुछ करके नॉर्मल लुइस की एक बुक आती है, यहाँ से आप वोकेबली को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इसको पढ़ो क्योंकि इसमें 600+ जो है पेजेस हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं, ऐसा समझ लीजिए कि वर्ड्स का पूरा जो है हिस्ट्री बायोग्राफी ज्योग्राफी सब कुछ लिखा होता है, तो उससे आप जो है वर्ड का मीनिंग लगभग लिंक करके याद कर लेते हैं, लेकिन ये कोई सही तरीका नहीं है। सही तरीका इन द सेंस ये कि आपको जो है इतनी सारी बुक जो 500-600 पेजेस की पढ़नी पड़े और उसमें से भी आपको समझ ना आए तो, बाकी मैं PDF सबका दूंगा आप पढ़ लेना, अगर आपको लगे कि हाँ ये ठीक है तो आप उसको जरूर पढ़िएगा। उसके बाद आप सचिन सर के 200 गोल्डन रूल्स जो प्लेलिस्ट बना हुआ है इंग्लिश का, एक बार तो आप वीडियो फॉर्मेट में पढ़ लीजिए, जल्द ही आपको मैं PDF फॉर्मेट में भी वो अवेलेबल कराऊंगा। बहुत सारे वो स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर हमें रिवाइज करना है, उसे एक बार PDF में दे दीजिए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि वो अलग अलग PDF बने हुए हैं, एक एक PDF उनको कलेक्ट करके फिर एक में मर्ज करके फिर आपको दिया जाएगा। अब देखिए प्रैक्टिस के लिए आप, मैंने खुद ने आपको 20 इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट करवाए हैं और उसका PDF भी आपको दिया हुआ है और वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं, खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर उसके बाद में आप अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो में भी देख सकते हैं, तो इससे जो है आपको पता भी चल जाएगा कि आपने कितना पढ़ा क्या पढ़ा। और एक बताना भूल गया मैं, ये SP बक्सी ये बुक भी मैंने टेलीग्राम में ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, मैं एक बार फिर से शेयर कर दूंगा इस वीडियो के बाद में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये बुक आप पढ़ें तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़े तो नहीं पढ़ सकते हैं। इसमें आप चाहें तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कुछ स्पेशली टॉपिक की आपको एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करनी है तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे और ग्रामर का पोर्शन भी दिया गया है। बाकी इसमें मतलब ये है कि SSC के लिए तो बेस्ट रहती है बुक, नीतू सिंह की भी SSC के लिए तो प्रेफरेबल रहती है, लेकिन आपके लिए भी ये काम की बुक है, आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। अगर आपको ये ज़्यादा समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, ये आप ले सकते हैं। दोनों का PDF ये जो भी मैंने बताया सबका PDF फॉर्मेट मेरे पास अवेलेबल है, मैं आपको जरूर यहाँ पे टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, तो वहाँ पे होना थोड़ा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिल गई, आप चाहें तो बाई भी कर सकते हैं, मैं किसी को मना नहीं कर रहा, और बाकी आप अपने फ्रेंड वगैरह से कहीं से भी अरेंज कर सकते हैं, और अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और सबसे फेवरेट पार्ट मेरा रागा सेक्शन पे मैं आता हूँ,
यहाँ पे भी मैं सिलेबस लेके आया हूँ और आप ये मत समझिएगा कि वीडियो आप सर थोड़ा लेंदी कर रहे हैं। देखिए चीज़ें मैं क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे, आपकी सोच को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ कि आप क्या सोचते हैं, किस बारे में और कैसे क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पे अब आ रहे हैं हम रागा सेक्शन पे, यानी कि रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। इसमें भी आपके बहुत सारे डाउट होंगे क्योंकि ये आप समझ लीजिए कि इंग्लिश में तो जैसे तैसे आप कर भी लेते हैं, इंग्लिश इतना टफ आता भी नहीं है, आप नॉर्मली कर लेते हैं। जहाँ तक अभी तक का मैंने रिव्यू देखा है एग्जाम्स में 2-3 साल से, तो इंग्लिश जो है ऑन एन एवरेज आता है। रागा सेक्शन कभी टफ कर देते हैं, रागा में भी एक सेक्शन टफ होता है, या तो मैथ्स टफ आ गया, या रीजनिंग आ गया, या जीके आ गया, करंट आ गया, तो अलग अलग ये चीज़ें होती हैं। अब सबसे पहले तो यहाँ पे आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को तो अभी तक ये भी नहीं पता कि रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आते हैं, तो ये फिक्स है 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 ही आएंगे। और एक सबसे अच्छी बात आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक सेक्शन लिखा गया है नॉन वर्बल रीजनिंग, इसमें से पूरे 4 क्वेश्चन आते हैं और एक ही पैटर्न पे आते हैं। आपको ये बता दूं, फिगर बेस्ड आपके पास में क्वेश्चन आते हैं, फिगर बेस्ड सीरीज से। ठीक है, तो सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं। इसमें क्या होता है कि 4 आपको जो है लगातार सीरीज में चलती हुई कुछ आकृतियां दी जाती हैं, और इन आकृतियों में आप क्या करते हैं, इससे अगली वाली आकृति फाइंड करते हैं। इसके लिए आपको जो है 4 ऑप्शन भी दिए जाते हैं और इसमें से आपको फाइंड करना होता है। सेम बेस पे 4 क्वेश्चन सिक्वेंस में आपके आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिए कि यहाँ से आप सोचिए 4 नंबर ला सकते हैं, और 4 नंबर की इंपॉर्टेंस मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि जो नंबर कोडिंग है, ये पजल वाले क्वेश्चन हैं, मतलब इनको जो है आप एक बार थ्योरी पढ़ना चाहें तो थ्योरी पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको बुक्स हैं, जो उनका भी PDF मैं आपको दूंगा, बुक्स भी बताऊंगा कौन सी आपको पढ़नी है। तो मेनली इन टॉपिक्स को जो है एक बार रिवाइज कीजिए। इनका प्लेलिस्ट सेक्शन भी आपके चैनल पर बना हुआ है, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आगे बात करूंगा। इससे पहले मैं सबसे फेवरेट पार्ट मेरे मैथमेटिक्स सेक्शन के बारे में बात करना चाहूँगा। सो गाइज, मैथमेटिक्स के लिए सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो अपनी प्लेलिस्ट थी एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए स्पेशली, उस पर 56,000 से ज़्यादा स्टूडेंट उन्होंने ये प्लेलिस्ट कब तक देख चुके हैं ये पूरा। तो आप सोचिए कि ये कितना फेमस कर दिया आप सब लोगों ने। मतलब जब भी कोई बंदा एयरफोर्स की एग्ज़ाम देने जा रहा है, तो लगभग मतलब सबके लिए तो नहीं कह रहा हूँ मैं, ऑलमोस्ट स्टूडेंट इसके पास एक बार ज़रूर पहुँचे हैं और इसको जो है एक बार ज़रूर पढ़ा है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो यहाँ पे रेगुलरली इन्होंने पढ़ा है पूरा, पढ़ने के बाद में यही कहा है कि सर वाकई में हमारा जो इम्प्रूवमेंट हुआ है मैथमेटिक्स सेक्शन से बहुत ही अच्छा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे पूरे टॉपिक तो है नहीं, और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं 7 से 8, और फिर यहाँ पे स्टूडेंट ये सोचता है कि मुझे पूरा SSC का पढ़ना पड़े, पूरा बुक पढ़ना पड़े, तो वो प्रॉब्लम होता है। तो इसको मैंने आपको जो है हर टॉपिक से 40 से 50 क्वेश्चन करवाए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, और बढ़िया अच्छे तक ट्रिक्स के साथ आपको समझाया है। तो वो आप जो है पढ़ सकते हैं अगर आप नए स्टूडेंट हैं, बाकी पुराने वाले भी रिवाइज इनके लिए पढ़ सकते हैं, ये चीज़ आप देख सकते हैं। उसके अलावा देखिए, ये आप कर लेंगे तो 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से आपके कहीं हिलने वाले नहीं है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद भाई आपको जनरल अवेयरनेस के लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि सबसे बड़ा डाउट मैंने सवाल स्टूडेंट से ये देखा कि सर ज्योग्राफी में पूरी पढ़ूँ, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, हो सकता है वो ना भी आए, क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन अगर ज़्यादा आ गए तो हिस्ट्री का क्वेश्चन आया, नहीं भी आए जरूरी नहीं है, और सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा पूरे हिस्ट्री, सर मैं पूरा हिस्ट्री पढ़ूँ, और ये फिर सर पॉसिबल नहीं है, जनरल साइंस में पूरा पढ़ूँ। तो इसके लिए मैंने वन स्टॉप सॉल्यूशन आप सभी का, आपको पता है कि जो GK GS का अपना जो ईबुक है वो आप ले सकते हैं, और इवन मैं ये फोर्स भी नहीं कर रहा हूँ आप ले ही, आप कोई भी बुक उठा के पढ़ सकते हैं, क्योंकि GK GS आपको सबको पता है कि समुंदर है, आप जहाँ पे डुबकी लगाना चाहे वहाँ पर लगा सकते हैं। आप अपने ईबुक में डुबकी लगा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कहीं और बुक से पढ़ रहे हैं, बुक्स का नाम तो मैं नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन कहीं से भी पढ़ सकते हैं, तो यार इसको जो है थोड़ा सा ब्रीफ में आप पढ़ लीजिए, और मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि ये बुक ले लीजिए। मैं तो फ़ायदा तो थोड़ा सा तो देखूंगा ना, बुरा मत मानिए, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आप सजेशन देखिए। स्टूडेंट ने इसका बहुत ही अच्छा रिव्यू दिया है, इवन उसमें सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया। हाँ, करंट अफेयर आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। आप करंट अफेयर के लिए भी डाउट आना शुरू हो गए कि सर 6 महीने का पढ़े कितने पढ़े, तो देखो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जनवरी से स्टार्ट कर दो, जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल का जो है अपनी साइट पर आपका जो है अवेलेबल हो गया है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए है, और जल्द ही पूरा ही फ्री कर दूंगा मैं, चिंता मत कीजिए। ठीक है, तो अगर आपने ये नहीं लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, जाइए करंट अफेयर का मत लीजिए, मैं फ्री कर रहा हूँ आपके लिए, अब मैंने बोल दिया आपको। ठीक है, तो ये आपको जो है मिल जाएगा करंट अफेयर का, तो लगभग इनको जो है 3-4 महीने का जो लास्ट का है उसको तो थोड़ा कम पढ़ लीजिए, और अभी जो रिसेंट का है उसको ज़्यादा पढ़ लीजिए, हो सकता है वो पहले वाला करंट भी दे दे, क्योंकि मोस्टली जो करंट है इस टाइम तो कुछ ऐसा खास बन नहीं रहा है, क्योंकि जो अपने यहाँ पे स्पोर्ट्स से बनता है, अवार्ड से बनता है, या कुछ सीरीज से बनता है, तो ये ऐसा कुछ हो नहीं रहा है इस टाइम में, तो वो कहाँ से करंट अफेयर बनाते हैं। ओके, तो अब इस सेक्शन के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे हम यहाँ पे आते हैं कि इसमें कौन सी बुक्स पढ़े हैं, कहाँ पे क्या मिलेगा, ये सारी चीज़ें। देखिए
मैथ्स के लिए देखिए, मैं आर एस अग्रवाल की बात कर रहा हूँ, तो इस बुक में जो है आपको कॉन्सेप्ट चाहे आप लेना ले, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो इसमें बेसिक दे रखा है, वो आपके लिए इतना ज़रूरी नहीं है। आप अपने प्लेलिस्ट से पढ़िए और वहाँ से कॉन्सेप्ट उठाइए, उन क्वेश्चंस को जो मैंने पढ़ा रखे हैं उन सबको आप बुक में उतारिए, उनका जो है पूरा सॉल्यूशन लिखिए, उसके बाद में आप यहाँ से प्रैक्टिस के लिए बुक ले सकते हैं। बुक अगर आपको ऑनलाइन कहीं पर मिल जाती है तब भी मैं कोशिश करूँगा ये भी बुक आपको ग्रुप में प्रोवाइड करवाने की। ये हिंदी में मिलती है जहाँ तक है, मैंने इंग्लिश में इसको अभी तक देखा नहीं। केडी कैंपस की भी एक अर्थमेटिक की बुक आती है, अगर आपके पास में है तो ठीक है, बाकी आपको परचेज करने की इतनी ज़रूरत है नहीं। आप कोई और बुक है तो उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपने सिलेबस से वो टॉपिक मिला लेना और क्वेश्चंस के जो हैं देख लेना कि एक ही टाइप के क्वेश्चन ना हो, आपको कम से कम 4-5 टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है। उसके अलावा देखिए, रीजनिंग के लिए मैं कुछ बुक्स बता रहा था, तो रीजनिंग के लिए आप देखिए एक आर एस अग्रवाल आता है, इसका बुक भी ले सकते हैं। ये भी मैं आपको टेलीग्राम में अभी दे चुका हूँ और फिर से मैं डाल दूंगा एक साथ जब ये वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद यूएस शेखावत एक बुक आती है, ये आप देख सकते हैं, गूगल पे करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसका पीडीएफ तो नहीं अवेलेबल हो पाएगा क्योंकि अभी तक किसी ने डाला ही नहीं ऐसा, बाकी ये बुक भी अच्छी है, ये भी काफ़ी फेमस बुक है। अब देखिए, जीके जीएस के लिए आप अपना ई बुक ले सकते हैं, इसके अलावा कोई और बुक भी आपके पास जो भी है, जैसे आपके पास में जो भी है आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तो ये मैंने सारी चीज़ें बता दी कि कहाँ से क्या मिलेगा। आप देखिए, ये जो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे इन सब का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके डिस्क्रिप्शन को चेक करना। और उससे पहले अपने बात कर लेते हैं कि इस चैनल पे क्या क्या अवेलेबल है रागा सेक्शन के लिए। मैथ्स का प्लेलिस्ट तो मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ, ये तो आपके लिए रामबाण है, इसको पढ़ना ही पड़ता है। आप कहीं और से भी पढ़े हैं तो एक बार पढ़ के देखो, अगर आपको जरूर समझ में आएगा डिफरेंस। उसके बाद देखिए, रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस सेट मैं आपको खुद करवा चुका हूँ 20 से ज़्यादा, और 10 प्रैक्टिस सेट तो जो भी मैंने रिसेंट में करवाए थे उनको तो मैंने इतने अच्छे से तैयार किया कि अगर वो 10 भी आप लगाते हैं तो रीजनिंग शायद आपको कहीं हिलने वाला नहीं है। उसके बाद अब देखिए, नॉन वर्बल रीजनिंग, इसके लिए कुछ स्पेशल क्लासेज आपके चैनल पे अवेलेबल हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसके लिए कुछ जो 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको और प्रैक्टिस कराऊँ ताकि आप उसे अच्छे से कर पाएँ। और सबके लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डालने वाला हूँ, तो जो जो मैंने चीज़ें बोली हैं, कुछ बुक्स बताई हैं, कुछ प्लेलिस्ट बताई हैं, मेनली तो प्लेलिस्ट, बुक्स तो सारी मैं एक साथ टेलीग्राम में डाल दूंगा, ठीक है। इसके अलावा गाइस, एक जीके जीएस के क्वेश्चंस का भी मैं आपको बता दूं, ई बुक नहीं भी ले रहे हैं तो चैनल पे जाना, वहाँ पे प्लेलिस्ट सेक्शन अलग से बना हुआ है, उनका भी लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पे भी आपको लगेगा कि हाँ कुछ इंपॉर्टेंट 400-500 क्वेश्चन वो भी आप तैयार कर लेते हैं, तो ज़्यादा तो नहीं, 2-3 नंबर तो आप वहाँ से भी निकाल ही लेंगे। उसके बाद देखिए, कम्प्लीट रागा के प्रैक्टिस सेट जो अभी भी चल रहे हैं, ये चलते रहेंगे एग्जाम तक, अभी थोड़ा सा डिले हो रहा है आई नो, लेकिन आपको जल्द ही कुछ और भी मिलेंगे प्रैक्टिस सेट, और इनको आप साथ साथ अभी प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि रागा सेक्शन पूरा हो चुका है, उस सारे टॉपिक्स वाइज मैं अलग से पढ़ा चुका हूँ, अब इसको हम प्रैक्टिस करते चलेंगे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात तो मैं बता ही दूँ आपको कि यहाँ पे अपना एक एयरफोर्स का एप्लीकेशन है जिसपे आपने अच्छा सपोर्ट करते हुए 99,000 यानी कि 99K डाउनलोड करवा दिए हैं। अभी आपको टेलीग्राम में, सॉरी प्ले स्टोर पर ये शो नहीं कर रहा होगा 99K, क्योंकि जैसे ही 100K हो जाएगा तो वो एक साथ 100K ही शो करेगा, इससे पहले 50K ही शो होता है, तभी 50K शो होगा, जैसे ही हो जाएगा आपको 100K हो जाएगा। जल्दी से इसको कर दो, उसके बाद में मैं आपको जो है कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल कराऊंगा, बहुत सारी चीज़ें। इस ऐप में देखिए आपको क्या मिलता है कि यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी हैं, मॉक टेस्ट भी हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, और भी कंटेंट आपको अवेलेबल हो जाएगा, कुछ सारी सिलेबस भी आपको मिल जाएगा, एग्जाम कैसा क्या होता है अबाउट सेक्शन इसका मिल जाता है। उसके अलावा आपको इंग्लिश के अलग से प्रैक्टिस सेट हैं, रीजनिंग के अलग से हैं, मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, वो भी रागा के पूरे कंप्लीट, इंग्लिश और जो आपका रागा सेक्शन है दोनों का कंबाइंड भी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं आप देखिएगा। और एक अपडेट आने वाला है, उसमें भी आपके बहुत सारी चीज़ें मैं जोड़ रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको रागा सेक्शन के लिए और या स्पेशली वाई ग्रुप के लिए मैं कहूँ तो एक एप्लीकेशन मैं ऐसा बनाना चाह रहा हूँ जिसमें पूरा सब कुछ आपको वहीं पे मिल जाएगी, अगर आप कुछ भी ना लें तो आपको सारा चीज़ वहाँ पे मिलके आप उसे तैयारी कर सकें। तो जल्द ही इसके लिए मिलेगा, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि जल्दी से 1 लाख तक पहुँचा दें ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं उस काम को और तेज़ी से करते हुए आपके सामने वो प्रस्तुत करूँ। तो देखिए, घुमा फिरा के मैं यहाँ पे आपको ये नहीं कहने आया हूँ आज कि आप इतनी मेहनत करो, 6 घंटे पढ़ो, इतना जोर लगा दो, ये सब तो मैं करता रहता हूँ पहले भी आपको मोटिवेट, लेकिन अब आपको क्या करना है कि इस टाइम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही हो रहा है कि मेंटेन कैसे रखे स्टडी को, क्योंकि सब लोगों को पता है कि किसी को ये नहीं पता कि एग्ज़ाम कब होगा, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। मैं तो यही कहूँगा कि आपको ये चीज़ क्लियर है ना दिमाग में कि एग्ज़ाम जिस दिन होगा वो उसी दिन होगा, कोई चाहे कुछ भी बोले। आप विजिट कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे या कुछ ऑथेंटिक चैनल्स पे, बस और खुशी के चक्कर में आप यहाँ पे मत पढ़ो, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है बस आप समझ सकते हैं क्या हो रहा है, मैं किसी का नाम भी नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, तो
आप लोग जो है बस कंटिन्यू मेहनत करते रहो, आप अपने ऊपर भरोसा रखो, आप सबको ऑथेंटिक चीज़ें बताएं। आज के टाइम में हर बंदा समझदार है, वो खुद अपने डिसीजन ले सकता है, तो आप भी ले सकते हैं। ओके गाइज, सो आप एक और काम कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके, कि आप मेरे चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल ला सकते हैं और एक लाइक करके भी ला सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कौन सा पार्ट इस वीडियो में अच्छा लगा, कौन सी बात मैंने कही। और जाते जाते आपको एक चीज़ मैं कहते जाता हूँ, तुम मेहनत करो फिर भी सफलता ना मिले वो एक अलग बात है। फिर से सुनना, गौर से सुनना, तुम मेहनत करो फिर भी सफलता ना मिले वो एक अलग बात है, तुम कोशिश भी ना करो ये तो गलत बात है। ठीक है, तो आप ऐसा होता ना कि मतलब हम कुछ करें ही नहीं, तब तो आपको दुख भी नहीं होता कि यार मैंने तो पढ़ा ही नहीं की, तब अब इसमें पास कहाँ से होता। लेकिन आप ये सोचो कि आपने जी जान लगा दी उसके लिए, फिर उसके अंदर आप फेल हो रहे हैं, तब तो फिर भी ऐसे होंगे नहीं, अगर आप जी जान लगा देते हैं फिर भी नहीं होता, तब तो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन आप सोचोगे कि किसी ने बुक उठा के देखा ही नहीं यार, आप कह रहे यार मैं तो फेल हो गया एग्जाम में ऐसा ऐसा। तो आई होप मैंने तो कुछ अच्छा आपको सामने प्रस्तुत किया। और एक और चीज़ आपको शायद बताऊँ या ना बताऊँ, लेकिन आप अपने ही हैं तो बता देता हूँ, इसको मैं तीसरी बार शूट कर रहा हूँ। ये पहली बार हुआ है क्योंकि दो बार जो है वॉइस में प्रॉब्लम हो गया था पूरे वीडियो के ही, तो मुझे चाहता था कि इसको अच्छे से आपके सामने रखूँ, आपको अच्छे से लगे, आप इस लास्ट तक पहुँच सके, मेरे को बर्दाश्त कर सके 20 मिनट के लिए। तो वो चीज़ के लिए मैं इसको थर्ड टाइम शूट कर रहा हूँ पूरा। आई होप आप सब लोग ज़रूर पसंद करेंगे और समझेंगे इस चीज़ को भी। थैंक यू सो मच गाइज, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और फिर भी अगर आपको कुछ डाउट होता है ना, तो आप सीधे इंस्टाग्राम पे आओ, वहाँ पे मैं अवेलेबल हूँ हमेशा आपको रिप्लाई करने के लिए। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, बाकी रिप्लाई जरूर करता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।